नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। आज से 5 दिन बाद मध्य प्रदेश की में ये तय हो जाएगा कि किसकी सरकार रहेगी और किसकी सरकार नहीं रहेगी, क्योंकि आज से 5 दिन बाद उपचुनाव होने हैं और यहां पर मतदान होना है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष नीमच के पवन पाटीदार। पवन पाटीदार वहां पर लगातार सुहासा सीट पर दौरे कर रहे हैं और इनके दौरे को एक महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यहां से कांग्रेस ने एक पाटीदार कैंडिडेट के रूप में राकेश पाटीदार को यहाँ से उतारा है, जिन्हें जातिगत समीकरण साधने के लिए यहाँ से उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है सुहासा सीट पर दी गई है। पवन जी, आपका स्वागत है। आपको वहाँ पर एक महत्वपूर्ण रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है कि पाटीदार जो वोट है उनको साधा जाए, किस तरह की ये जिम्मेदारी आपकी है? पाटीदार वोटों को साधा जाए ऐसा पार्टी की दृष्टि से हो सकता है या फिर वैसे वैसा पार्टी का सोचना भी नहीं है, इसलिए क्योंकि पाटीदार वोट मूलतः भारतीय जनता पार्टी का वोट है और पाटीदार वोट इसलिए भी भाजपा का वोट है क्योंकि पाटीदार एक समझदार वर्ग है, सोच समझ के और कौन सी सरकार आने पे किसका हित करेगी ऐसा समझने वाला वोटर है। और पाटीदार एक ऐसा समाज है जो खुद के लिए मात्र सोचने वाला समाज नहीं है, उसको लगता है कि अगर कोई योजना ऐसी है जैसे संबल योजना जिसके माध्यम से गरीबों के परिवार में अगर कोई मौत हो जाए तो उसको संभलने के लिए 2 लाख और अगर कोई आकस्मिक मौत हो जाए तो 4 लाख मिलते हैं, तो उस परिवार की मदद शिवराज सिंह जी के द्वारा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हो रही है, तो उन सब लोगों के लिए भी सोचने वाला समाज है। इसलिए पाटीदार समाज स्वाभाविक रूप से भी भाजपा के साथ है और आज तो और भी ज्यादा ताकत से भाजपा के साथ है। पवन जी, एक और बात की जाए, आपको कितना लगता है कि हरदीप सिंह कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आया और लगातार कांग्रेस का एक बड़ा आरोप रहा है कि सौदेबाजी की गई है, सौदेबाजी का जो आरोप है वो अब यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन इसके बीच जो है एक आरोप अब व्यक्तिगत रूप से भी हो चुका है कि एक वीडियो जो है अमित जी का वायरल हो रहा है, वहाँ पर बोल रहे हैं मंदिर के पैसे सब निकाल लिए गए, अब व्यक्तिगत आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, तो क्या मानते हैं आप? देखिए, ये क्या है, ये तो सिर्फ कांग्रेस बोल रही है पर कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए भी सुन रहा है कि कोई व्यक्ति विधायक है और ऐसी परिस्थिति में विधायकी को ठोकर मारकर आ रहा है जिन परिस्थितियों में सरकार बनना है ये भी तय नहीं था, ये तो बाद में सब परिस्थिति बनी कि एक साथ इतने विधायकों को आना, शुरू में तो मात्र हरदीप जी छोड़ के और आए थे और हरदीप जी की छोड़ के आने के पीछे सब लोग इस बात को स्पष्ट रूप से समझते हैं कि कहीं कहीं उनकी नाराजगी आज से नहीं थी कि कोई तत्काल नाराजगी हुई हो और तत्काल उन्होंने छोड़ दिया हो, आज हरदीप जी उन सभी चीजों से नाराज थे जब 370 धारा मोदी जी द्वारा हटाई गई थी, केंद्र की भाजपा की सरकार के द्वारा हटाई गई थी, तब उस धारा को भी अगर किसी ने खुल के समर्थन किया था तो हरदीप सिंह जी ढंग थे, सीएए को किसी ने समर्थन किया था तो हरदीप सिंह जी ढंग थे, राम मंदिर वाले विषय पे अगर किसी ने सकारात्मक बात शुरू से करी थी जब वो कांग्रेस के विधायक थे तो भी वो हरदीप सिंह जी ढंग थे, और कहीं कहीं हरदीप जी लगातार जब कमलनाथ जी के पास जाते थे कि मेरे क्षेत्र में ये काम है वो काम है तो हरदीप जी को हमेशा कमलनाथ जी और कांग्रेस के जो दिग्विजय सिंह जी और ये जो लोग सरकार चला रहे थे वो सदैव टालते थे, इसलिए ये मानसिकता हमने बहुत पहले बना ली थी, कोई बोलता है पैसे के लिए तो पैसे के लिए अगर कोई व्यक्ति आता है तो आज सोचता और कल आ जाता, पर हरदीप जी ने आज सोच के कर लिया है, ये सारी चीजें हरदीप जी के मन में और जो सब परिस्थितियाँ सालों से चल रही थी और जिसको कि लगातार कमलनाथ जी और इन लोगों ने अवॉइड किया टाला और उस कारण से उनको लगा कि अगर मैं लंबे समय तक इस कांग्रेस में रहूंगा तो लोगों ने जो मुझ पर विश्वास जताया है और मुझे जिताया है मैं लोगों के काम नहीं कर पाऊंगा, क्षेत्र में विकास नहीं कर पाऊंगा, और इन सभी चीजों को सोच के तो हरदीप जी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में विचारधारा के साथ आए। पवन जी, एक और मेरा सवाल है कि जिस तरह से लगातार ये एमपी का चुनाव चुनाव जो देखा जा रहा है इसमें महत्वपूर्ण एक सिंधिया अब जो है इस चुनाव में महत्वपूर्ण रोल में है, क्योंकि जहाँ पे भी देखो सिंधिया का ही नाम आगे आ रहा है, क्या माना जाए कि ये चुनाव जो है ना विकास पर है ना ही जातिगत समीकरणों पर है, सिर्फ ये जो है सिंधिया के ऊपर टिका हुआ चुनाव है? देखो, कहीं कहीं सिंधिया जी की भूमिका तो अहम है, सिंधिया जी की भूमिका अहम है, जैसे अभी आपने हरदीप जी के लिए पूछा, माने सिंधिया जी ने कांग्रेस के लिए अगर कांग्रेस की सरकार आई तो कहीं कहीं इसके पीछे बड़ा चेहरा था वो जो तो सिंधिया जी का था, क्योंकि सिंधिया जी एक खानदानी आदमी है, सिंधिया जी के सामने बैठकर जब एक चुनावी एजेंडा बना कि हम ये काम करेंगे तो कहीं कहीं कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी का स्वभाव है झूठ बोलना, जोर से बोलना, बार बार बोलना, इन लोगों ने उसके अंदर एक चीज तैयार करी कि 2 लाख रुपए हम किसानों के 10 दिन में माफ कर देंगे, उनने तैयार किया कि 4,000 रुपए हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, और सम्मानी सिंधिया जी
कि बाद में दम था। सिंधिया जी जब उन सब चीजों को लेकर लोगों के बीच में गए तो लोगों ने सिंधिया जी पर विश्वास जताया कि अगर सिंधिया जी कह रहे हैं तो 2 लाख माफ होगा, सिंधिया जी कह रहे हैं तो 4000 रुपए का भत्ता मिलेगा। इस प्रकार से वो भी जो कांग्रेस की घोषणाएं थी उनके घोषणा पत्र में, परंतु जब वो चीज काम नहीं हुए तब सिंधिया जी में कहीं कहीं नाराजगी आई। सिंधिया जी ने लगातार ये कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह जी को और उनके जो कांग्रेस के जो बड़े नेता थे उनके बीच में ये बात रखी कि भाई ये नहीं हो रहा है और ये जनता के साथ छलावा हो रहा है और हम लोगों ने जनता से वादा किया और वादा किया है तो उनको पूरा करना है। पर जब कमलनाथ जी ने कहा कि भाई ये हम नहीं कर पाएंगे तो बार बार कहने के बाद सिंधिया जी ने कहा अगर आप नहीं कर पाओगे तो मैं रोड पर उतर जाऊंगा। कमलनाथ जी को लगा रोड पर उतर जाएंगे क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने कहा रोड पर उतर जाओ और सिंधिया जी रोड पर उतर गए और सिंधिया जी रोड पर उतर गए और कमलनाथ जी रोड पर आ गए। तो ये तो कहीं उनके अभिमान और उनके घमंड के कारण हुआ और सिंधिया जी की महती भूमिका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु जो भाजपा चुनाव लड़ती है, क्योंकि कमलनाथ जी, क्योंकि सिंधिया जी, शिवराज जी, वीडी शर्मा जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, उमा भारती जी, इस प्रकार से जो हमारे सारे प्रभात झा जी और ये सब जो हमारे बड़े नेता हैं सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं लड़ती है, सभी लोग मिलजुल के लड़ते हैं और विकास के ऊपर चुनाव लड़ते हैं। तो ये चुनाव विकास का चुनाव है, ये चुनाव झूठ बोलने वालों के ऊपर करारे तमाचा मारने वाला चुनाव है। जो समाज जनता चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी तो एक दल के रूप में है पर जनता इसका जवाब देना चाहती है कांग्रेस को और वो करारा जवाब देगी। आप कितनी मानते हैं कितनी सीटें जीत रहे हैं मध्य प्रदेश में? 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। एक और मेरा थोड़ा सवाल के हाल ही में अभी कल जो परसों जो सभा थी सीएम शिवराज सिंह चौहान की और वे सबसे पहले पाटीदार समाज के जो नेता है विधायक है उनके घर पर गए थे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कमलनाथ जी पोरवाल वोट को साधने में लगे भरे सभा में कहते हैं कि पोरवाल समाज जो है एक अच्छा समाज है और एक जाना माना समाज है और वह सत्य का साथ देता है। तो क्या माना जाए आप जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि एक पार्टी जो है वो जाती है तो वोट साधने काम नहीं करे, लेकिन स्टेज से भरे दिग्गज नेता खुद इस चीज को आगाज कर रहे हैं, बात बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। देखो इसको थोड़ा सा हम नजरिया बदल के देखेंगे तो हमको ज्यादा अच्छा लगेगा। नजरिया बदल के कैसे देखेंगे? अगर माननीय कमलनाथ जी कह रहे हैं कि पोरवाल वोट, तो कमलनाथ जी तो आज कह रहे हैं आज तक पोरवालों के बीच में आए नहीं है, लेकिन शिवराज सिंह जी किसी पोरवाल वोट पटेदार वोट ये बात नहीं कर रहे हैं, वो सर्वहारा की बात कर रहे हैं, लेकिन उन सभी लोगों के बीच में वो रहे हैं। हर दुख दर्द में वो किसानों के साथ रहे हैं, व्यापारियों के साथ रहे हैं, हर वर्ग के साथ रहे हैं। इसलिए शिवराज जी तो लोगों के मन में बसते हैं, चाहे वो पोरवाल हो, पटेदार हो, सोंगिया हो, राजपूत हो, कोई भी अन्य समाज हो, चाहे वो पिछड़ा हो, अगड़ा हो, चाहे वो एससी वर्ग का व्यक्ति हो, हर वर्ग के व्यक्ति में भारतीय जनता पार्टी बसती है। इसलिए हम विशेष रूप से किसी जाति की बात इसलिए नहीं करते हैं, हम चाहते हैं हिंदुस्तान है ये जातियों में नहीं बटे, ये लड़े नहीं और विकास की सोच के साथ में मतदान करें, विकास की सोच के साथ में किसी भी दल के साथ जुड़े, इसलिए ये वाली बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। और ये बातें तो कांग्रेस और कमलनाथ जी और इन लोगों को शोभा देती है कि लोगों को लड़ाना और कैसे भी करके और जोड़ तोड़ करके सरकारें बनाना, पर वो भाजपा का स्वभाव नहीं है। भाजपा सबके लिए सोचती है, किसी जाति विशेष की बात करके और जातियों को आपस में बांटने का भाजपा नहीं करती है। दूसरी बात हम करेंगे शिवराज सिंह जी अगर नाना लालजी के यहाँ गए हैं तो शिवराज सिंह जी एक ऐसा व्यक्तित्व है और एक ऐसा विनम्र स्वभाव के व्यक्तित्व है कि नाना लाल जी हमारी पार्टी के, क्योंकि नाना लाल जी को हम सिर्फ पाटीदार उस नाते देखेंगे तो कहीं कहीं नाना लाल जी का जो व्यक्तित्व है उसके लिए छोटी बात करने जैसी बात हो जाएगी। नाना लाल जी भी सिर्फ पाटीदार है इस नाते नहीं, नाना लाल जी एक किसान है, नाना लाल जी हर वर्ग, हर बंधु, हर समाज और हर व्यक्ति के मन में बसते हैं, उनने बरसों बरस समाज की सेवा करी है और नाना लाल जी भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा वट वृक्ष है और ऐसे लोगों से आशीर्वाद लेना भाजपा के नेताओं का स्वभाव है और उसी नाते शिवराज सिंह जी उनका आशीर्वाद देने गए थे। शिवराज सिंह जी परिवार में गए थे, उनके परिवार में गए थे और पिता तुल्य जो नाना लाल जी उनसे आशीर्वाद देने गए थे। ये तो देखने का नजरिया जो भी कांग्रेसियों का ऐसा है, लेकिन भाजपा और शिवराज सिंह जी का करने का नजरिया पारिवारिक और अपनत्व वाला है, इसलिए वो उनका आशीर्वाद देने गए थे, जो सौभाग्य की परंपरा है, हमारी संस्कृति है। आखिरी बड़ा सवाल मेरा कि आपने नजरिए की बात की है तो नजरिए की बात की जाए तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जो हाल ही में सिंधिया समर्थक जो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, चाहे बात की जाए हरदीप सिंह टंग की, तो अब जो यहाँ से उम्मीदवार थे, जो नेता थे, तो क्या उनकी राजनीति खत्म होती नहीं दिख रही? वाजिब बात है अगर मेरी जगह कोई आता है तो मेरी राजनीति खत्म होती दिख रही, ऐसा आपको नहीं लगता है कि कोई कार्यकर्ता मन में मन मुटाव है? देखो क्या है कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी बात हो भी सकती है मानते हैं, पर फिर भी भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, अभी आप लगातार कार्यक्रम देखेंगे, कल कैलाश जी आए थे, उससे पहले शिवराज जी भी आए थे, सम्मानी थावरचंद जी भी आए थे, विष्णुदत्त शर्मा जी भी आए थे, आप जो कार्यकर्ताओं में उत्साह देखोगे
क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का नेता कहीं कहीं विचारधारा पहले, राष्ट्र पहले, नेशन फर्स्ट, उस आधार पर काम करता है, इसलिए वो उन सब चीजों को छोटा मानकर और काम में जुट जाता है, काम में लग जाता है। और जहां तक बात है कि जो स्थानीय नेता है, ऐसा कुछ नहीं, स्थानीय नेताओं की चिंता स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व करेगा कि किसको कहां उचित जगह दी जा सकती है, किसको क्या सम्मान दिया जाना चाहिए, और वो सब ऊपर वालों के ध्यान में है। और उन लोगों के भी ध्यान में है जिनको हम लोग आकलन करते हैं और एक जो एक अंदाज लगाते हैं कि उनको दर्द होगा, उनको तकलीफ होगी, और उन्हीं सभी लोगों को पूरे मन से, जैसा राधेश्याम जी हैं, पूरे मन, पूरे भाव से, पूरे दिन जितना उम्मीदवार नहीं चल रहा होगा उससे ज्यादा कदम अभी राधेश्याम जी चल रहे हैं, जितना उम्मीदवार नहीं चल रहा होगा उससे ज्यादा कदम हमारे मंडलोई जी चल रहे हैं, उस क्षेत्र के लोग हैं, जितना उम्मीदवार नहीं चल रहा होगा उससे ज्यादा जैसे हमारे बैरागी जी हैं, अंशु जी हैं, ये लोग चल रहे हैं, वहां पर जो भी लोग हैं, जैसे हमारे धीरज पाटीदार जी हैं, या ऐसे कई हितेश शुक्ला जी हैं, नाना लाल जी हैं जो जिलाध्यक्ष हैं, या फिर अन्य जो विधायक गण हैं, चावला जी हैं, पंचीलाल जी हैं, माननीय जगदीश देवड़ा जी, जैसे कोई कुटी चुनाव लड़ रहे हो, तो भाजपा एक होकर चुनाव लड़ती है, विचारधारा के लिए चुनाव लड़ती है, इसलिए उस तरह की चीजें भाजपा में कहीं नजर नहीं आती है। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी नीमच के जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार, जिन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 28 के 28 जीते ही जीत रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने एक सवाल जो हमारा था जातिगत समीकरण का था, उस पर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत समीकरणों के आधार पर कभी भी राजनीति नहीं करती है, वे सर समाज को लेकर राजनीति करती है। मेरे सहयोगी सादाब के साथ नवीन पाटीदार।